बिहार में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित प्रदेश के कुछ जिलों में शनिवार को बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज शामिल है। तो वहीं पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी की भी संभावना है। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों तक कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली सबसे गर्म रहा। पटना में आज बादल छाए रह सकते हैं, हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। तो वही शुक्रवार की बात करें तो पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। अधिकतम तापमान में 1.1 और न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज की गई है। बता दें आपको कि पटना का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नवादा की बात करें तो नवादा का अधिकतम तापमान 36.4, शेखपुरा का 36.4, औरंगाबाद का 36.02 डिग्री सेल्सियस, गया की बात करें तो गया में 24.7 डिग्री सेल्सियस, बेगूसराय में 33 डिग्री सेल्सियस, पटना में 34.2 डिग्री सेल्सियस, अररिया में 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो बिहार में एक बार फिर से मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित प्रदेश के कुछ जिलों में शनिवार यानी कि आज बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।